किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है पर हिम्मत चौका देती है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा, डीसीए और एडीसीए कोर्स के सीरीज नंबर 3 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर हम लोग वो चीज सीखेंगे जब वो स्टूडेंट पहली बार अपनी क्लास रूम में जाता है तो कुछ देर बाद उधर से उनके टीचर आते हैं और वो टीचर उस स्टूडेंट को अपने लैब रूम में ले जाते हैं और वहां ले जाने के बाद कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, उन सभी भागों के बारे में बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। तो यहाँ तक तो उस स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि भाई ये माउस है, ओके, ये मॉनिटर है, ओके, ये कीबोर्ड है, ओके, ये यूपीएस है, ओके, यहां तक उसको समझ में आ गया। कुछ देर बाद सभी भागों के बारे में परिभाषा देते हैं, ओके, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन जब उसके भागों के बारे में बताया जाता है, जैसे हमने आपको बताया मॉनिटर क्या होता है, हमने मॉनिटर के बारे में डिफिनेशन दे दिया, ओके, हम लोग याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उस स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि मॉनिटर के भी कई प्रकार होते हैं, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मॉनिटर के प्रकार पढ़ लिया तो कुछ देर बाद फिर बताया जा रहा है कि चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कीबोर्ड, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि भाई कीबोर्ड में इतने सारे बटन होते हैं और सारे बटन के बारे में आपको बारी बारी से पढ़ना है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे उसके बाद बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ, कंप्यूटर का पूरी इतिहास बताया गया, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे उसको बताया गया कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, मतलब जब वो स्टूडेंट 30 मिनट बैठा तो इतने सारे क्वेश्चन उसके पास आ गए कि उसका जो मेंटल है घूमने लगा, वो सोचने लगा कि भाई ये सब क्या फंडा है, इतना सारा क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर के कितने टाइप, उसके अंदर मॉनिटर, उसके टाइप, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, उसके अंदर एसएमपीएस, इतने सारे पार्ट है और इतने सारे थ्योरी को हम कैसे याद करेंगे, उसके दिमाग में बहुत बड़ा फंडा आ गया। तो उसको समझ में आने लगा कि ये जो फंडा है इसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल, जो मेंटल को एकदम हिला देता है, ये जो फंडामेंटल है वो मेंटल को हिला देगा, इतना सारा प्रश्न इसके अंदर आते हैं जो कि आपको याद करना होता है, सारे चीजों के बारे में आपको याद करना होता है। तो उनके टीचर बताए कि ये सब सारी चीजें आपको फंडामेंटल के अंदर आता है। अब कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ना, ठीक है, उसके बारे में समझना, ये सब सारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कई चीज आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, एसएमपीएस क्या है, मदरबोर्ड क्या है, एंड सीपीयू क्या है ना, मतलब जितने भी उसके भाग होते हैं सारे चीजों के बारे में पढ़ना ही फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक
कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेना। तब अब हम लोग शुरू करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर। ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर, मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा, बोलूंगा हिंदी में और आपको साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। अगर आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पूरी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप हिंदी मीडियम में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। और यदि आप दोनों माध्यम में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पूरी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी सपोर्टिंग फीस आपसे लिया जा सकता है, बट आपको वो नोट्स काफी पढ़ने में मजा आएगा। तो यहां पर सबसे पहले जो बताया जाता है, जब हम लोग क्लास में जब ज्वाइन करते हैं तो पहला दिन हम लोग को सिखाया जाता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, मींस कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देता है। अब यहां पर कंफ्यूजन है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में देता है। तो यहां पर कंफ्यूजन है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। जब हम लोग इनपुट के बारे में पढ़ लेंगे और आउटपुट के बारे में पढ़ लेंगे तभी ये समझ में आएगा कि भाई ये क्या होता है। तो देखिए, जिस डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, ओके, जिस डिवाइस के जरिए हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। और जब हम जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हो गया आउटपुट डिवाइस। कहने का मतलब कि हम माउस के जरिए इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को कि भाई यहां पे क्लिक हो जाओ, यहां पे ओके हो जाओ, यहां पे कैंसिल कर दो, तो वो इंफॉर्मेशन जा रहा है माउस के जरिए, इंफॉर्मेशन जा रहा है और उसके अनुसार उसको निर्देश मिल रहा है और वो प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट के रूप में दिखाता है। मतलब जैसे हम कुछ करते हैं तो मॉनिटर पर दिखाता है, अगर हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो स्पीकर के थ्रू आवाज आता है तो वो आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, है ना, प्रिंटर जो कि बाहर निकलता है पेज तो वो हो गया भी आउटपुट। यानी कहने का मतलब यही था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही और वो किसी डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और वो आउटपुट के रूप में देता है। अब समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटरे से हुआ था। किससे हुआ था? कंप्यूटरे। और आपको कहीं कहीं कंप्यूट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटरे से हुआ था, कहीं कहीं आपको कंप्यूट भी देखने को मिल सकता है। आप इन सभी चीजों के बारे में याद रखें क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा तो ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। लेकिन अगर कंप्यूटरे बोलो या आप कंप्यूट बोलो, दोनों का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। कंप्यूटरे बोलो या फिर कंप्यूट बोलो, दोनों का हिंदी गणना करना ही होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का पूरा नाम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं वो सारे भागों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर का इतिहास भी जानेंगे, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे।
आप यहां पर देख सकते हैं, सी का मतलब होता है कॉमनली, जिसका हिंदी अर्थ होता है आम तौर पर। उसके बाद है अगला ओ से ऑपरेटेड, जिसका हिंदी नाम होता है संचालित। उसके बाद होता है एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, उसके बाद यू फॉर यूज, उसके बाद टी फॉर ट्रेड, और ई फॉर एजुकेशन, और आर फॉर रिसर्च। इसका हिंदी मतलब होता है आम तौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीक शैक्षणिक अनुसंधान। इसको मिलाकर बन गया जिसका प्रयोग गन्ना करने, यानी गन्ना जैसे प्रक्रिया को करने, इस तरह के कार्यों में इसका किया जाता है। बड़े बड़े अनुसंधान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का क्या लाभ है, इसका क्या विशेषताएँ हैं, आप नीचे में देख सकते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर के कुछ विशेषताओं को लिखें और इसके लाभों को भी बताएं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के कई विशेषताएं हैं, मतलब कंप्यूटर के कई लाभ भी हैं। सबसे पहले आप यहां से देख सकते हैं, कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर से कठिन सवालों का जवाब आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जितनी डाटा चाहे उतनी डाटा हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो अपना सॉन्ग, वीडियोस, अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर रख सकते हैं, जितना चाहे उतना। उसके बाद हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसों की लेन देन कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी दिया हुआ होता है, आपका कोई कंप्यूटर हैक नहीं कर पाएगा अगर आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं। आप अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे आपका जो कंप्यूटर होगा वो सिक्योर होगा। उसके बाद आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन या फिर पढ़ाई के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल रेलवे स्टेशन वहाँ पर भी किया जाता है, सरकारी दफ्तरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब आजकल हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप अभी वर्तमान समय में देख सकते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद आप इसका प्रयोग अपने स्कूल में कर सकते हैं, अपने शॉप के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर से क्या लाभ होता है वो आपको आधुनिक समय में समझ में आ गया होगा, इसके बारे में ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है।